खटीमा रेलवे पार्क के पास राधारमन धर्मशाला के सामने सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं के आपस में भिड़ंत से रोड के किनारे स्थित एक गरीब परिवार की दुकान पूरी तरह से तहस नहस हो गई। दुकानदार सहित आसपास के लोग राहगीर बाल बाल बचे। गौरतलब है खटीमा प्रशासन नगर पालिका के उदासीन रवैये लापरवाही के चलते सड़कों पर घूम रहे आवारा किस्म के लड़ाकू जानवरों से शहर में आए दिन लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और दुकानें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। कुछ दिन पहले भी एक आवारा पशु के आक्रमण से शहर में एक बुजुर्ग भी बुरी तरह से घायल हो गया। खटीमा प्रशासन नगर पालिका पूरी तरह से मूक दर्शक बना बैठा है। नगर पालिका जो है गौवंश को रोकने के लिए कोई व्यवस्था कर रही है इस तरह से? अभी पशुपालन विभाग और हमारे बीच में एक समझौता हुआ है। पशुपालन विभाग को ग्राम दया में कुछ जमीन अलॉट हुई है, उस जमीन को और उपयोग के लिए उन्होंने हमें दे दिया है। अब हमने उस पे गौ सदन या गौवंश के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट गया है शासन में, वो स्वीकृति होने वाला है। जैसे वो स्वीकृति होता है तो हम वहाँ पर गौ वंश के लिए वहाँ संरक्षण के लिए फिर वहाँ निर्माण शुरू कर देंगे। अभी लोगों का भी ये है कि लोग सारे गौ वंश ला के यहाँ छोड़ दे रहे हैं शहर में, और हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं उनको रखने की या कहीं भेजने की। तो गौ सदन बन जाएगा तो जल्दी ये समस्या का निस्तारण हो जाएगा लगेंगे इसे। इसकी डिटेल क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था ये पशुपालन विभाग द्वारा शासन को भेजा गया था, शासन ने कह दिया कि ये नगर पालिका इसका निर्माण करेगी, तो नगर पालिका पर जैसे ही धन आवंटन हो जाएगा हम निर्माण शुरू कर देंगे।